अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एक और ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, कल के ब्लॉग में हमने जो है अपने जितने भी स्मॉल केजीसीस है इनके ऊपर हमने फ्यूमिगेशन की थी। अभी हमने कल रात में मैंने तकरीबन 2:30 बजे जो है अपने सारे बर्ड्स वगैरह बंद भी कर दिए थे। अभी चेक करते हैं कि हमारे माशाल्लाह बर्ड्स वगैरह कैसे हैं। अच्छा दोस्तों, हम तो जहाँ तक कर सकते हैं मुमकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इन बर्ड्स के लिए ही कर रहे हैं ताकि इनकी जो है वो सेहत बरकरार रहे और ये जो है किसी भी बीमारी में मुबतला होकर एक्सपायर ना हो। अब जितना हम मुमकिन है हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ बाहर, आ जाओ, चलो शाबाश। ये देखें दोस्तों, ये वाली जो मुर्गी है ना, अब ये थोड़ी थोड़ी ढीली हो रही है। ये देखें अभी ये चल भी कैसे रही है, मुझे लग रहा है ये अफेक्टेड हो गई है। अल्लाह खैर करे। आ जाओ बाहर, आ जाओ, क्या हो गया, आ जाओ, चलो। नहीं दोस्तों, ये हो गई अफेक्टेड हो गई है, इसको अब घर वालों से वही मशवरा करके इसको जो है ना वो कटवाना पड़ेगा। अगर इसको नहीं कटवाया तो ये वैसे ही एक्सपायर हो जाएगी। दोस्तों, अभी जो है ना हमने अपनी एक काली मुर्गी थी जो अभी मैं आपको दिखाया था, जो सुस्त हो रही थी, हमने उसको ज़िबा करा दिया। ठीक है, उसको हमने ज़िबा करा दिया। अभी हम जा रहे हैं आज फिर एनिमल हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये फ्लेमिंगो है ना, इसकी हमने बैंडेज की थी। तो अब देखें, काफ़ी जो है ना ये पाँव नीचे रख के ना कोशिश करता है उस पर चलने की। तो हम बात करके आए थे तो डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप जो है ना इसको ले आना मेरे पास, तो मैं इसके साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जो है ना इसकी बैंडेज करेंगे। ठीक है, तो उससे इसको काफ़ी फ़ायदा होगा और वो जो हम करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, उसको खोलना भी आसान होगा। आप खुद भी घर पे कर सकते हो लेकिन फिर खोल नहीं पाओगे आप सही से। तो अभी नबील भाई भी आ गए, तो नबील भाई के साथ जो हूँ मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, इसके जो टांग है ना वो नीचे रखने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो फ्रैक्चर सही से इसका हुआ नहीं है ना, तो वो फ्रैक्चर पर फिर इसकी टांग काँपती है काफ़ी। तो अभी नबील भाई आ गए, रेडी है फिर नबील भाई लेके जाने के लिए? बिल्कुल रेडी हैं, जल्दी से करो, इंशाल्लाह हम लोग निकलते हैं फटाफट, ज़्यादा देर नहीं करते और लेके चलते हैं इसको। चलो ठीक है, फिर हम लोग इसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, फिर वहाँ जाके देखते हैं कि क्या मामला होते हैं, फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, अभी जो है ना हम लेकर आ गए फ्लेमिंगो को डॉक्टर के पास। तो अभी जो है ना वो इसकी टांग पे कर रहे हैं प्लास्टर, जो पट्टी हमने बांध दी थी वो खोल दी है और अभी प्लास्टर जो है वो रेडी कर रहे हैं। इससे फर्क पड़ेगा वैसे? परिंदा है बार बार फिटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये करते हैं कि चार चार पाँच दिन तक लिफ्ट देते हैं, जो लूज कर देता है तो फिर वापस रिपीट कर देते हैं, लूज नहीं करता है तो फिर 10 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाता है, 10 दिन हो जाता है, ज्वाइन हो जाती है। ठीक, फिर खाने में पट्टी पड़ी रहती है तो हम उसको 2 हफ्ते हो ही खोल देते हैं, ताकि 3 हफ्ते के अंदर फिर मुकम्मल जुड़ जाती है। डॉक्टर साहब जो है ना इनको पेन किलर के लिए इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। इससे पेन किलर है या एंटी सेप्टिक वगैरह भी है? वो भी लगाएंगे अभी। अभी डॉक्टर साहब ने जो लगाया ना ये पेन किलर है, अभी एक और इंजेक्शन लगा रहे हैं जो कि वो एंटी सेप्टिक है, जो इसका चोट लगी है, जो जख्म लगा है तो वो भी जल्दी भरेगा। दोस्तों, अभी जो है ना हम फ्लेमिंगो का जो है टांग पर प्लास्टर करवा के ले आए और डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, इसका पेन किलर का भी लगा दिया है
और जो उसको चोट लगी है उसके लिए जो सेप्टिक वगैरह होता है तो उसके लिए भी इंजेक्शन लगा दिया है। अभी डॉक्टर ने दोनों टांगों को फोल्ड करके उस पर टेप लगा दिया और बोला कि अभी इसको जो है ना फिलहाल बैठा रहें, इसको ज़्यादा खड़ा करें और इसको जो है ना सेपरेट किसी केज में बंद करें। तो अभी हमने फ्लेमिंगो को जो है ना इधर ला के बंद कर दिया है, इसमें छोड़ दिया हमने, इसकी दोनों टांगें बंद हैं और इधर ही फिर इसको हम दाना पानी वगैरह सब दे दिया करेंगे इसके। अभी वो बोल रहे हैं चार दिन के बाद फिर दोबारा लेके आना चेकअप के लिए, तो चार दिन के बाद हम इसको दोबारा ले जाएंगे चेकअप के लिए। और फिर तब तक जो है इंशाल्लाह आप भी दुआ करें और हम भी कोशिश पूरी कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि इसकी टांग जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आज हमने जो है वो पॉन्ड के अंदर पानी भर दिया और हमने सबसे पहले इसके अंदर टर्टल छोड़ा है। अब हम इन टर्टल को जो है ना अभी देते हैं सलाद पत्ता, देखते हैं इसमें पानी में पॉन्ड में खाता नहीं खाता ये। ये लो खा लो खा लो खा लो खा लो, सलाद पत्ता आ गया तुम्हारा, खाओ इनको बाहर, इनको ना बाहर निकाल के दे देते हैं हम सलाद पत्ता, ये बाहर शौक से खा लेंगे। ये लो खाओ, चलो ये लो, आ जाओ तुम भी बाहर आ जाओ, खा लो सलाद पत्ता खा लो, कहाँ जा रहे हो तुम, खाना खाओ खाना खाओ खाना, ये लो खाना खाओ। नहीं भाई इनको खाना ही नहीं खाना, दोनों के पेट भरे हुए हैं, ये लो नहीं खाना। इसको देखें किसी स्पीड से चलता चलता आ रहा है, एक इधर की तरफ निकल लिया एक उधर की तरफ निकल लिया, आ जाओ जल्दी से, ये लो पत्ते खाओ। नहीं भाई इग्नोर कर रहे हैं, ये पत्ते नहीं खा रहा है। चले दोस्तों अभी हमने काफ़ी दिन बाद पॉन्ड भरा है ना, तो फिर हम उसका भी डस्ट को खोल देते हैं। आप इनका तमाशा देखिएगा ये कितना खुश होंगी पॉन्ड के अंदर पानी भरा हुआ देख के, आ जाओ चल आ जाओ। ये देखें ये देखें ये देखें इसकी मस्तियाँ, ये मैंने कहा था ना कि ये अपने केज से बाहर निकलेंगे फिर देखिएगा इनकी मस्तियाँ। ये दोनों जो है ना पॉन्ड के अंदर देखिएगा पहले पानी पीते रहेंगे फिर उसके बाद पॉन्ड के अंदर जाएंगे और फिर फुल स्विमिंग करेंगे अपना, फुल अच्छे से नहाएंगे ये। दोस्तों अभी हमारे टर्टल तो जो है वो उनको भूख नहीं लग रही थी, उनको मैंने सलाद पत्ता दिया वो नहीं खा रहे थे, मैंने अभी चिंकी को ला के दिया और चिंकी देखे अभी कितने मज़े से खा रही है। इसको जो है ना मतलब जो चीज़ पसंद आ जाए ना वो खाएगी, बाकी जो चीज़ पसंद नहीं आएगी उसको फेंक देगी। ये देखें दोस्तों मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर के अंदर जो है ये पॉन्ड के अंदर चली जाएंगी, अभी ये सिर्फ जो है मेल गया है और बल्कि अभी फीमेल गई है, ये फीमेल गई भी है अभी थोड़ी देर में मेल भी आ जाएगा और ये फुल जो है ना कम से कम भी जो है ना 15-20 मिनट या आधा घंटा तक भी जो है ये फुल इसमें नहाती रहेंगी, पूरा अपने आप को इन्जॉय करेंगी, उसके बाद फिर बाहर निकल के अपने पर झाड़ के फिर ये इधर उधर दोबारा मस्तियाँ करेंगी। दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।